स्टार्ट करता हूँ। यस सर। यस चलिए। ओके तो ये वैष्णवी का शीट जो मैंने कल होमवर्क दिया था, और दूसरा शीट हमारा होमवर्क का है। फर्स्ट आपको मैंने दिया था फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें एक तरफ था प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी तरफ था यूकैरियोटिक सेल्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, हमको गैप इसमें फिलअप करना था। तो हार्डली आपको दो गैप फिलअप करने थे, न्यूक्लियर रीजन क्या होता प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो वैष्णवी का जवाब कैसा है, वैष्णवी कहती है प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है पूरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस यही होता है, एक में सेल मेम्ब्रेन होता है, एक में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक में सिंपल सी बात, उसमें नहीं होता, और यूकैरियोटिक में आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका होता है। ठीक है, ओके। और क्या था ये वाला, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं, उसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। आज जैसे हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, है ना, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ेंगे, हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हो, वहां पर जो भी सेल ऑर्गेनेल होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, वहां पर केवल राइबोसोम होता है। राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, याद रखना। पर जो जितने भी हम यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े, सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहता है। ये दोनों मेन डिफरेंस होता है। एक तो मतलब एक मेन समझो कि इन दोनों मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस वाला मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, दूसरा सेल ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, बस। फोर क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, क्या लिखा है आपने, सेकंड था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। लिग्निन क्या काम करता है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन क्या करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है ना, वो उसको और भी मजबूती प्रदान करता है, उसको और भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको और भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेलुलोज को सपोर्ट प्रोवाइड करता ही करता है, उसको स्ट्रक्चर भी देता है, सपोर्ट भी करता है। लिग्निन उसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, लिग्निन उसके साथ ऐड हो जाता है और उसको और हेल्प करता है आगे ग्रो करने के लिए, मतलब उसको मजबूती देने के लिए। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, उसमें आप देखो डबल मेम्ब्रेन रहती है ना, सबने देखो उसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। उसकी मेन खासियत उसके ऊपर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इसमें एक आउटर होता है, एक इसमें इनर होता है, इसके बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, इसके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर एनवेलप का मेन खासियत क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, साथ साथ में ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होता है। हमारे न्यूक्लियस में मेनली क्या बनते हैं, आपके राइबोसोम्स बनते हैं, तो राइबोसोम वहां से बाहर निकलते हैं, कहां पर आके कनेक्ट हो जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो ये न्यूक्लियस का एक्सटेंशन है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वहां के बाहर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है और ये जाके सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट हो जाता है, इसका करेक्टरिस्टिक। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट आगे। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, व्हाट स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बनाने का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो हमने न्यूक्लियस के अंदर दो चीज मेन पढ़ी थी, एक क्या होता था, न्यूक्लियोट्स होता था, जिसके अंदर क्या बनता था, राइबोसोम्स बनते थे। दूसरा स्ट्रक्चर था वो धागे धागे छोटे छोटे धागे धागे, तो वो क्या होता था, वो क्रोमेटिन होता था। जो क्रोमेटिन होता है वो दो चीज मिलके बना होता है, डीएनए और हिस्टोन। जो जैसे किसी पाइप के अंदर को, जैसे एक पाइप के अंदर पानी जाता है, तो जो पानी है उसको बोलते हैं हिस्टोन। अगर हम क्रोमेटिन की बात करते हैं, जैसे पाइप के अंदर पानी जा रहा है तो पानी क्या है, हिस्टोन है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है, जैसे पाइप के ऊपर जो प्लास्टिक कवर है जिसको पाइप बोलते हैं, वो क्या है, डीएनए। तो जो क्रोमेटिन होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। डीएनए उसके ऊपर ऐसा डबल बाउंड्री होता है, जैसे पाइप भी देखो ना, एक इनर एक पाइप एक अंदर की तरफ, मतलब पाइप जैसे थिक होती है ना, डबल लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, उस तरह डीएनए भी आपका डबल लेयर होता है, ठीक है। और ये किसको ऊपर रोल करता है, ये हिस्ट के ऊपर रोल करता है। एकदम वैष्णवी एकदम सही आंसर लिखा है, गुड, वेरी गुड।
चलो अगला, न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेल। सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? मोस्टली सेंट्रल लोकेशन पे होता है। मोस्टली अगर देखा सर, जाए तो कहाँ पे एनिमल होता है? सेल सेंट्रल सेंट्रल लोकेशन एंड प्लांट सेल एट लोकेशन टाइप। पे। यस यस। नॉर्मली न्यूक्लियस कैसा होता है? जब सेल छोटा होता है, जैसे प्लांट सेल भी अगर छोटा होगा उस टाइम न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन जब ये प्लांट सेल ग्रो हो जाता है तब तब बीच में क्या होता है, सेंट्रल अकेले अपना पोजीशन बढ़ा ले लेता है। जब सेल छोटा होता है तब क्या होता है, तब तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा तो क्या है, उसका सेल बढ़ता जाएगा। सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, बीच में अकेले भी जो स्पेस होता है उसको कौन घेर लेता है, वैक्यूल घोल लेता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपाउंड, इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एकदम सही बात। व्हाट इज सिस्टोल? कल मैंने बताया सिस्टोल क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल होता है। तो साइटोल इज ए लिक्विड फाउंड इनसाइड द सेल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसको, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोल। ठीक है, मान लीजिए वाटर कंटेंट होता है, वाटर में कुछ जेली काइंड का स्ट्रक्चर होता है और इसी में आपके पूरे ऑर्गेनेल तैरते हैं। इसमें प्रोटीन है, आपके लिपिड्स हैं, सब इसमें तैरते हैं। और क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स? टोटल कितने क्रोमोसोम बताए थे मैंने? 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना? तो टोटल कितने आपके क्रोमोसोम है? 46 है। 22 डबल पेयर है और जो सिंगल होता है वो अपना सिंगल पेयर होता है। व्हाई डू प्लांट सेल पजेस लार्ज साइज वोकल? प्लांट साइज बड़े वोकल क्यों क्यों होते हैं उनके पास? तो स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, उनको काफी स्ट्रेंथ, क्योंकि प्लांट काफी लंबे लंबे होते हैं, उनको स्ट्रेंथ देना होता है ना, उनको मजबूती देना होता है। ठीक है, इस पर क्या आपके आपके प्लांट सेल में ये वो केले काफी बड़े बड़े होते हैं। दूसरा और इसमें लिखा है रीजन, फूड और वाटर को स्टोर करने का नीड पड़ता है। ठीक है ना, दे हैव बिकॉज़ लार्ज दे नीड टू स्टोर वाटर, इट बिकॉज़ प्लांट डज नॉट पजेस दैट नीड टू मूव। यस, ठीक है, वही सेम चीज। तो प्लांट सेल मेनली इसका रीजन क्या होता है कि इसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं वो केले वगैरह, और फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। बात भी सही है। आप देखो जो फ्रूट होता है वो फ्रूट एक दिन में बनता है, प्लांट्स नॉर्मली ज्यादा मूव नहीं करते हैं, प्लांट एक जगह स्टेशनरी रहती है, तो उनका एनर्जी कंजम्पशन काफी कम रहता है, तो क्या करते हैं अपने पास फूड को स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ आर क्रोमेटिन क्रोमोटेड एंड क्रोमोसोम रिलेटेड टू ईच अदर? क्रोमोटिन धागा है ना, फिर धागे जब जब कोई सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, जब कोई सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, यही क्रोमोटीन किसमें चेंज होता है, सेंट्रोमर और क्रोमोसोम में। जो बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोमर, और जो ऊपर की पंखड़ी टाइप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटेड। तो सेंट्रोमर और क्रोमोटीड को मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या था, क्रोमेटीन, ये धागा था। धागा जब आप बोलता है भैया डिवाइड करना है अपने आपको, रेप्लीकेट करना है, तो धागा क्या करता है, ये बीच में एक सेंटर पॉइंट बन जाता है और बीच में एक दो पंखे बन जाते हैं, इसको कंप्लीट को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। यस, और ये वाला सर था हर एक क्वेश्चन, साइड के जो होते हैं उसको क्रोमेटिड बोलते हैं ना क्या बच्चा, क्रोमेट सर? क्रोमेटिड एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स होते हैं, जैसे पंखा देखा है, पंखे के बीच का सेंटर पार्ट होता है, ओके सर, उसके बाहर जो पंखी पंखियां लगी होती है उस पंखियों को क्रोमोटिड कहते हैं। ओके सर, गॉट इट। यस, ओके। वैष्णव बेटा आपने अगला पेज नहीं किया ये वाला? सर एक्चुअली वो मुझे समझा नहीं। देखो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको ध्यान, ये क्या आपका, ये आपका वो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, और ये वाई वाला पार्ट क्या, क्रोमोटीन। वही आपसे मैंने पूछा था, गॉट इट? अभी फोर्थ वाला सर क्वेश्चन आया सबको समझ न्यूक्लियोलस में है ना अभी? वो? यस सर। यस। हाँ, ये बीच वाला एक्स है वो आपका न्यूक्लियोलस है, जिसके अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जहां से आपके राइबोसोम्स बनते हैं। वो जो आपके धागे देख रहे हैं वो क्या है, आपका क्रोमेटीन। और ये फिगर कौन सा है, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस। सेकंड का आंसर एक्स और वाई, एक्स आपका न्यूक्लियोलस और वाई आपका क्रोमोटीन। और एक्स का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और राइबोसोम यहीं पर बनते हैं सर आपके। आरएनए तो आपको सिंथेसिस ऐसा करना। क्वेश्चन, यस, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना। ऐसे आपको फोटो दिखा देंगे और एक्स और वाई दे देंगे, एक्स वाई जेड, वही उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इन ए सेल इफ इट न्यूक्लियस इज रिमूव्ड? अगर न्यूक्लियस रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ये लिखा है किसने, अगर हम न्यूक्लियस रिमूव यस सर कर मैंने देंगे तो लिखा क्या है। होगा?
क्या आंसर बताओ इसका सर न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल देयरफॉर बाय रिमूविंग द न्यूक्लियस आउट ऑफ द सेल सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड सेल विल नॉट सस्टेन बिल्कुल अभी देखो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है आरएनए सिंथेसाइज करना प्रोटीन बनाना दूसरा फंक्शन क्या होता है क्रोमोटीन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना और ये ही मेन एक्टिविटी होती है सेल की क्योंकि सेल ग्रो कब करेगा जब अपने आपको डिवाइड कर पाएगा तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्रोमोटीन मटेरियल कैसे काम करेगा वो फंक्शन खत्म हो गया दूसरा आपकी बॉडी के हर चीज के लिए छोटी छोटी सेल के लिए आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपका न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्रोटोन सिंथेसिस आपका बंद हो जाएगा तो प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बेसिक एलिमेंट होता है अगर आपने बेसिक गायब कर दिया तो बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती है गॉट इट सबको क्लियर इसका आंसर क्लियर है सबको यस सर यस चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद व्हाट आर द जीन्स वेयर आर दे लोकेटेड इन द सेल जीन्स कहां पर होते हैं आपका जो डीएनए रोल सर अराउंड न्यूक्लियस यस नहीं वो जो आपका डीएनए होता है डीएनए जो हिस्टोन के ऊपर राउंड राउंड करता है तो जो डीएनए का एक छोटा सा जो सेगमेंट होता है उसको हम जीन कहते हैं ठीक है याद आया जीन कहां पर होता है जो आपका डीएनए पार्ट है जो उसके ऊपर हेक्सागन रोल करता है हिस्टोन के ऊपर उसका एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम जीन कहते हैं यस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो आपको मैंने कल भी बताया था ऐसा इसमें से अगर आप एक चीज को बोलोगे भाई इतना सा मैं एक पार्ट ले लेता हूँ ये वाला पार्ट ये आपका जीन होता है इसको हम जीन कहते हैं और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है ये एक तरह से छोटी छोटी पेन ड्राइव है इन पेन ड्राइव में कौन है भैया ये किसका माइक कौन है कौन गाना गा रहा है तुषार सॉरी सर वो गलती से माइक कौन रहा ठीक है तो ये छोटे छोटे जो बाहर आपका डीएनए तैरता है उसमें छोटा सा जो पार्ट होता है छोटी छोटी पेनड्राइव है इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ठीक है ये आपका कल का होमवर्क था कोई डाउट अभी इसमें कल के होमवर्क में किसी को एनी डाउट इन हियर नो सर चलो अब आगे चलते हैं और आज का हम टॉपिक आज कंटिन्यू करते हैं सेल ऑर्गेनेल ठीक है तो आज हमारा सेल का रिविजन कंप्लीट रहेगा तो हमने सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था हमने सेल की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया फिर हमने सेल के मेम्ब्रेन्स को पढ़ा फिर हमने न्यूक्लियस को पढ़ लिया है अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं ये सेल ऑर्गेनेल बहुत सारा काम करते हैं जैसे हमारे घर में देखो बहुत सारे काम क्या क्या काम होता है किचन होता है यस स्टोर रूम होता है यस बेडरूम होता है यस डाइनिंग हॉल होता है यस है ना नीचे हमारा गैरेज होता है यस तो देखो बालकनी है यस बरामदा है यस तो देखो एक छोटे से घर में भी कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल वर्क्स होते हैं उसी तरह हमारी बॉडी में देखो बहुत सारे काम होते हैं हमको खाना खाना है खाना पचाना है सांस लेना है सांस को पचाना है मतलब पचाना मतलब उसको ऑक्सीडाइज करना है ठीक है हमारा हार्ट पंपिंग करता है हमें O2 CO2 का करना है बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल बच गए उनको निकालना होता है इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमको ऑर्गन्स चाहिए होते हैं ठीक है तो हमारी जो सेल होती है हमारी हर सेल में हर फंक्शन परफॉर्म करने की क्षमता होती है ठीक है याद रखना जो बड़े जो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कोई भी सेल कोई भी काम कर सकती है वो अपने आप में सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है ठीक है बट अगर लीवर की सेल होगी तो उस टाइम क्या होगा जो लीवर वाला पार्ट है मतलब लीवर का मेन काम क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी में हार्मफुल चीजें होती है उनको बाहर फेंकने का काम करता है ठीक है तो उस टाइम उस सेल में जो सेल ऑर्गेनेल है जो खासकर इसको टच काम करेगा तो वो ज्यादा एक्टिवेट होता है बाकी नॉर्मली सोते रहते हैं ठीक है वो पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं तो आज हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से टाइप की होती है ठीक है ना कौन कौन से टाइप की सेल आपकी ऑर्गेनेल होती है और वो क्या क्या फंक्शन आपका परफॉर्म करती है ओके तो आपकी मेन हम पहले पढ़ रहे थे मेन कौन कौन सी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी दो होते हैं एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकेंड होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स ये आपके मेन है लाइसोसोम भी आपका मेन है
बाकी ये हम इनको हल्के हल्के वे में पढ़ लेंगे, प्लास्टिड्स क्या होता है, सेंट्रोल्स क्या होते हैं, हल्के वे में। मेन आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम। ठीक है, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो एक सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इसको करने होते हैं। ठीक है, तो सेल क्या करती है, उसके पास कई छोटे छोटे वर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में जो वर्कर्स लोग काम करते हैं, वर्कर्स बहुत सारे, कोई एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करता है, कोई डिस्पैच में काम करता है, कोई सेल्स में काम करता है, कोई मार्केटिंग में काम करता है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो कई सारे बॉडी में काम करते हैं। अब ये काम क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन्स। ठीक है, तो इनको प्रोटीन बनाना पड़ता है, सिंथेसाइज मतलब बनाना, जनरेट करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से बाहर से आके अंदर डंप होते हैं, नहीं, इनको खुद बनाने पड़ते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाता है किसके द्वारा, राइबोसोम्स। हमारा न्यूक्लियस क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, लिपिड्स, जो फैट होता है, फैट्स को लिपिड कहा जाता है। तो फैट फॉर्मेशन का काम भी, फैट भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो लिपिड फॉर्मेशन का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो इन प्लांट सेल्स होते हैं उसमें खाना बनाना होता है, तो फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड, फूड बनाने का काम करते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्या क्या चाहिए, सेल क्या क्या काम करती है, इट्स सीक्रेट वैली सेल प्रोडक्ट। जो सेल होती है वो कई एंजाइम्स भी बनाती है, वो कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज करती है, वो कई सारी चीजें बनाती है, उसको भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, उन सेल्स तक पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट काम होता है। और क्या काम करती है, इट हैज टू डाइजेस्ट दो सब्सटेंस व्हिच आर टेक अप बाय द सेल ड्यूरिंग एंडोसाइटिस। ठीक है, हम कुछ ही हमने खाई, वो पूरी तरह नहीं पची, उसको बाहर निकालना है, वो काम भी सेल्स करते हैं, डाइजेशन का काम। ठीक है, इट इज डन बाय द एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम। तो आपके सारा जो भी एक एक सेल ऑर्गेनेल है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या काम करता है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं, देखो हमको खाना खाते हैं एनर्जी आ जाती है, अभी एनर्जी लाने के लिए कौन इंपोर्टेंट होता रोल प्ले करता है, वो आपका रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो आगे देखते चलते हैं, जो इंपोर्टेंट वो पढ़ते रहेंगे। यस, तो हम सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, हमारा देखो ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमारे बॉडी में सेल में, सेल के अंदर इंपोर्टेंट क्या, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, क्या कहते थे, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप का जो सबसे आउटर लेयर होता है, जो आप इस लेयर को देख रहे हो, ये वाला आउटर लेयर होता है, ये गोल गोल होता है। इसके साथ में ये वाला जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कनेक्ट होता है ऐसा, इसके साथ एकदम चिपका होता है, अलग नहीं होता। ये पूरी आउटर शेल जो होती है एक तरफ की, उसके साथ पूरा कनेक्ट हो जाता है। जैसे गोल होते हैं, कुछ कुछ चीज गोल है, तो उस गोल की पूरी बाउंड्री पूरा नहीं करता है, एक तरफ की पूरी बाउंड्री कवर अप कर लेता है। तो न्यूक्लियस पूरा इसके साथ कनेक्ट होता है, क्यों, न्यूक्लियस पोर्स को छोड़ के बाकी जगह पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ कनेक्ट होता है। कौन सा वाला, रफ वाला। और रफ के पीछे अगर आएंगे, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एकदम जुड़ा होता है, ऐसा नहीं कि सेपरेट अलग से जुड़ रहा है, एक तरह से ये देखो यहाँ पर दोनों में अंदर कनेक्शन ही है, एक तरह से दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये राउंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा प्लेट, अलग अलग से प्लेट दिखाई देंगे, सर्कुलर प्लेट्स, कि उसके अंदर ऐसे प्लेट प्लेट डाल दी गई है। आप कभी जैसे आप बुक्स रखते हो रैक में, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में रैक्स होते हैं, उसके अंदर आप बुक वन 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 करके ऐसे बुक रखते हो, तो उसी तरह आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें ऐसे सेक्स बने होते हैं, ऐसे वाले, इनको बोलते हैं सिस्ट्रेन। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऊपर से गोल होता है ऐसा, ऐसे गोल गोल, ये फ्लैट होते हैं, ये ऐसे फ्लैट होते हैं, लंबे लंबे हल्के से गोल, ऐसे फ्लैट होते हैं, ये गोल होते हैं ऐसा, इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। इनको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स। और ये नीचे ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर नीचे कनेक्ट होता है ऐसा, इसको हम कहते हैं ट्यूबल्स। तो तीन तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये केवल आपका पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये दोनों आपके पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप देखो इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट बने हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो, है ना, इसको देखो छोटे छोटे डॉट बने हैं, ये डॉट इंडिकेट करते हैं राइबोसोम, जो न्यूक्लियस के अंदर से जो भी राइबोसोम बन के आता है वो इसके ऊपर बाउंड्री पे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं, ये क्या बताते हैं, ये है आपके राइबोसोम्स। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम आपको नहीं दिखेगा, तो राइबोसोम आपको केवल कहाँ दिखेगा,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको राइबोसोम नहीं दिखाई देगा। इसको पढ़ लेते हैं। नेचर एंड अकरेंस, इनसाइड द सेल देयर इज अ नेटवर्क कनेक्टिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर कनेक्ट होता है आपका न्यूक्लियस के साथ। और जो साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एक एंड पे तो इसके साथ कनेक्ट होता है, किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला, ये कनेक्ट होता है आपका आउटर शेल, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये उसके साथ कनेक्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो एक तरह से इसने जो न्यूक्लियस था उसके साथ कनेक्ट हुआ, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो पीछे पीछे आता गया, वो बन गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का लास्ट एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एक मेन काम इसका क्या होता है, जो न्यूक्लियस में कुछ बना, एंजाइम्स बने, प्रोटीन्स बने, अगर ये किसी दूसरी सेल को भेजने तो ये डायरेक्ट इसके अंदर से पहले न्यूक्लियस से निकलेंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे रफ वाले में, फिर जाएंगे स्मूथ में, स्मूथ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ इसको फेंक देता है, उसको उधर ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। ओके, तो देखो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसमें आपने देखा राइबोसोम इसमें कनेक्ट होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। सेकेंड वाला जो आपका है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसका मेन काम क्या होता है, ये लिपिड्स सीक्रेट करता है, जैसे आपका न्यूक्लियस क्या सीक्रेट करता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन्स, और साउथ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, आपका लिपिड फॉर्मेशन में काम करता है। ओके, अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो ये आपको देखो सपोर्ट देता है, आपके एक तरफ कहां से कनेक्ट होता है, न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होता है, इसका दूसरा एंड कहां पर कनेक्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, तो एक तरह पूरा कनेक्टिविटी बन जाता है न्यूक्लियस के साथ में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, एक पूरा पाथवे क्रिएट करता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बीच में एक तरह से आपको स्ट्रक्चर देता है, और क्या काम करता है, इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मैं आपको कहा ना, ये न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, न्यूक्लियस का अगर कोई सामान दूसरी सेल में ट्रांसफर करना होता है तो न्यूक्लियस से कहां पर आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से आता है साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका जाता है दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर चला जाता है, और क्या काम करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स, लिपिड्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन्स जो बनते हैं, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स, तो जो प्रोटीन बन गए उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये किसको दे देता है, गोल्गी अपरेटस को दे देता है, फिर गोल्गी अपरेटस को जगह जगह ट्रांसफर करता है। तो बनाए किसने, राइबोसोम ने, राइबोसोम को किसने बनाया, न्यूक्लियस ने, ठीक है, न्यूक्लियस से बने राइबोसोम्स, राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन, प्रोटीन उसने किसको भेजे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये किसको दे देता है, गोल्गी अपरेटस को, और गोल्गी अपरेटस को हर जगह ट्रांसफर कर देता है। कोई डाउट, कोई शक यहां तक किसी को, नो सर, यस। अब इसको कुछ स्पेशल फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ पर, लीवर वाले पार्ट, मैंने कहा ना कि हमारे बॉडी के हर एक सेल्स होती है, हर सेल हर कार्य करने में सक्षम होती है। अब जैसे लीवर में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन से वाला, स्मूथ वाला, इसका मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हमारी बॉडी में फूड में अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जिनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म इनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो लीवर का मेन काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हमारा रोल प्ले करता है। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है, किसको सिंथेसाइज करता है, या अलग अलग लिपिड्स के नाम दिए, एक तरह से आपका जो फैट का बेसिक फॉर्म होता है लिपिड्स, उसको करता है, और कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी इसी का रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और क्या बनता है, आपके जो हार्मोन्स वगैरह बनते हैं इनको ट्रांसफर का काम भी होता है, ठीक है। आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या सिंथेसाइज करता है, ये हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं, और क्या, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन कौन बनाता है, आपका राइबोसोम्स,
ठीक है, यस ओके, ये तो आपको मैंने बता दिया है, ये भी आपको मैंने बता दिया, सेम प्रोटीन का सिंथेसिस बाय द सेल आपको मैंने बता दिया। ये दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस होता है इसका जो शेप होता है कैसा होता है, फ्लैट एंड होता है। इसका जो होता है ये वेसिकल्स और ट्यूबल्स जैसे होते हैं। राइबोसोम इसके ऊपर अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसके ऊपर अटैच नहीं होते। ये किसको सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। स्मूथ किसको करता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, स्टेरॉइड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो आपके तीन मेन पॉइंट आपने याद कर लिए तो आपके लिए काफी। यस, कोई डाउट यहां तक किसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। खत्म, एप्पल देता हूँ। पापा लाया था, पापा ने खाली बच्चों से बैठे बैठे सामने सबके सामने खोल दिया था, सामने सामने खाली। यस, सेकंड आपका राइबोसोम्स होता है। ठीक है, राइबोसोम कैसे होते हैं, छोटे छोटे स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में। ये भी हमने बार बार डिटेल में पढ़ लिया। इसका शेप कैसा होता है, सब गोल गोल गोलू मोलू टाइप के होते हैं। ठीक है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन, ये दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, राइबोसोम में क्या नहीं होते, लिपिड्स नहीं होते, फैट नहीं होता राइबोसोम में। ठीक है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैंने कहा आपको जब हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, इसका अग्रेंस कहाँ पर मिलते हैं, इनका नेचर कैसा है और दिशा इनका फंक्शन क्या होता है। तीन चीज हमको किसी भी सेल ऑर्गेनेल पढ़नी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, वहां से कहाँ पर आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। शेप कैसा होता है, स्पेरिकल डेंस दानेदार होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, इनका एक ही मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ये आपको डायग्राम याद है तो भी ठीक है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके राइबोसोम्स हो गए। थर्ड आपका है गोल्गी अपरेटस। मैंने आपको गोल्गी अपरेटस क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे आपका प्रोटीन बन गए कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और आपके लिपिड्स कहाँ पर बने हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन पूरे हमारे सेल में ये एक जगह से दूसरी जगह हमको भेजने पड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी चाहिए हमको, जब ये सेल ऑर्गेनेल खत्म होते हैं नए रेप्लिकेट करने पड़ते हैं, नई रिप्लेसमेंट होता है, मेम्ब्रेन कहीं से गड़बड़ा गई उसको ठीक करना पड़ता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की। तो हमारी सेल में जहां भी प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो नीड होता है तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, वो ट्रांसफर करने का काम करता है, दोनों चीजें ट्रांसफर करता है। तो गोल्गी अपरेटस हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसे फ्लैप की शेप का होता है, ऐसे फ्लैप्स होते हैं ऊपर लेयर में, एक दो तीन चार। अब देखो आप जो छोटे छोटे देख रहे हो दाने टाइप के, ये कहाँ से आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। ये धीरे धीरे ऐसे मूव करते हैं इसके तरफ, इसके अंदर ऐसे, और यहाँ से ये बाहर एग्जिट कर जाते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ से ले रहा है, ठीक है, इसने इसको स्टोर किया, पैक किया, पैकेजिंग बना दिया, है ना। इसने एक तरह से क्या किया, अमेजिंग की तरह डिलीवरी का काम कर दिया। इसको कहाँ से मिला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसने उसको अच्छी तरह पैक किया, शेप दिया, और इसको इसने दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफर कर दिया। इसका मेन एक ही काम होता है, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, ये कहां पर एब्सेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, ये ब्लू ग्लियल एंगली में नहीं पाए जाते। ठीक है, ओके, और इसका कुछ है भी इसमें पढ़ने लायक, और इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, आपको मैंने इसका मेन फंक्शन बता दिया, क्या है, सिक्रेटरी का काम। ठीक है, ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है। किसको पैकेजिंग करता है, लिपिड्स और प्रोटीन को। पैकेजिंग करने के बाद क्या करता है, उनको डिस्पैच करता है। आपको याद रखना, ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आएगा, पैकेज करेगा, डिस्पैच कर देगा। कहाँ पर डिस्पैच करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देता है, लाइसोसोम को चाहिए उसको भेज देता है, जहां भी इसका नीड होता है, जहां भी लिपिड्स चाहिए, जहां भी प्रोटीन चाहिए, वहां पर उसको डिस्पैच कर देता है। इसका मेन काम वही होता है। और ये सब कहा, जब ये लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ पर यूज होते हैं, सेल वॉल को बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में, लाइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। कोई डाउट यहां तक किसी को, नो सर, सबको क्लियर, प्लीज प्रेस वन।
इसके बाद आपका लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद आप करके रखो, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, छोटे छोटे टीनी स्पेरिकल सेक्स, छोटे छोटे बॉल जैसे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, तो आपका साइटोप्लाज्म लिक्विड हो तो उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोली गोली जैसे स्पेरिकल शेप में होते हैं। इनका काम क्या क्या होता है, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटीरियल्स, तो जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में फूड आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी आता है उसको डाइजेशन करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये कहां पर बनते हैं, इनकी वो फॉर्मेशन, दीज आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी देखो आपके जो है ना, ये एक तरह से प्रोडक्शन हाउस है, जो आपका कौन प्रोडक्शन हाउस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका प्रोडक्शन हाउस है। ये क्या क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है, ये क्या बना रहा है, लाइसोसोम भी बना के आपको देता है, मतलब एंजाइम, एक तरह से क्या एंजाइम है ना, तो ये एंजाइम फॉर्मेशन भी कहां पर होता है, आपका वहीं पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, एक तो इनका काम होता है, पूछा है कि बैक किस कौन सेल को, और ये कहते हैं अगर बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर वायरस वगैरह खतरनाक को डिमोलिश करते हैं, इसको इंजर सफाई उसको भगाने का काम करते हैं, ये हाउस कीपिंग का काम भी यही करते हैं। अगर अगर आप समझो सेल डेड हुई है, सेल वर्किंग नहीं कर सकती है, उसको डैमेज करना है, तो ये सुसाइड बैग का काम भी यही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सब क्या का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है, डिमोलिशन का काम कर रहा है। भी हो जा रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, यस यस चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन पढ़ लिए इसके लाइसोसोम्स के, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग, डिमोलिशन स्क्वाड, स्क्वेंजर्स, हाउसकीपर्स और सुसाइड बैग्स, इसका मेन काम ये रहता है। ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे, WBCs वाइट ब्लड सेल्स में मिलेंगे, ल्यूकोसाइट्स में मिलेंगे, ठीक है, और आपको कहाँ मिलेंगे, लोकेशन जहां पर आपको तीन, डाइजेशन करना है, क्लीनिंग करना है और उसको डिमोलिश करना है, ये सब आपको वहीं पर मिलेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फूड खाते हैं ग्लू के फॉर्म में करना होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी निकालनी होती है, तो ये सेल्स में को कहा जाता है। इसका शेप ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल रहता है, होता है, ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। ये देखो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और जो ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी एक जेली जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें भी कुछ राइबोसोम्स होता है, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल भी रहता है और इसमें एक फॉस्फेट, एक अभी आ रही आवाज बच्चों को, यस सर, आवाज ब्रेकिंग हो रही है अभी भी, यस अभी चेक करो सर, क्लियर अभी, क्लियर है ना सबको, यस सर, अभी क्लियर है सबको, यस सर इट्स क्लियर, अभी सबको क्लियर है, प्लीज रिप्लाई,
यस सर क्लियर. यस सर. चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए प्लीज. यस अच्छा सर ठीक है. हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया. ये हमारी सेल्स में ये दो तीन होते हैं, ये कई होते हैं, ऐसा नहीं कि एक सिंगुलर नहीं होता, ये दो तीन होते हैं ठीक है. दो तीन किसकी कैटेगरी होती है. इन सब के ऊपर क्या होती है. ओके यस यस माइक्रोफोन अभी चेक कर. अभी आवाज आ रही है सबको. अरे आवाज. यस सर. आवाज क्लियर है. प्लीज अभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. यस ठीक है. मैं मोबाइल से कनेक्ट हो गया दूसरे मोबाइल से. ठीक है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल लेयर होता है ठीक है. इसके आउटर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड होता है ठीक है. वो फोल्ड देखो कैसा होता है, ऐसा ऐसा अंदर से देखो ऐसा होता है, ऐसा इसको बोलते हैं फोल्डिंग होना. इससे क्या होता है, इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ठीक है. इसमें कुछ राइबोसोम्स होते हैं, इसमें कुछ डीएनए मॉलिक्यूल पड़ा रहता है, और इसमें कुछ एक फॉस्फेट भी पड़ा होता है, पी आई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इसमें पड़ा रहता है ठीक है. इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं ठीक है. ओके इसमें एक जेल काइंड का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जेल मैट्रिक्स के अंदर रहता है. इसके अंदर क्या क्या है, राइबोसोम है, एक डीएनए मॉलिक्यूल पड़ा और एक फॉस्फेट पड़ा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये कहां सर यू आर म्यूटेड. सर यू आर म्यूट. ये बच्चा अभी आवाज आ रही है आपको. यस ठीक है. आइए ये कहाँ पर एब्सेंट होता है, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और आरबीसी ऑफ द मैमल्स जो हमारे आरबी सेल्स होती है उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता. याद रखें, या कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये कई बार ऐसे आते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, तो आपको ये याद रखने, ये वन वन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है. इसका मेन काम क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं सांस के साथ हमारी ओटो हमारी बॉडी में अंदर आती है ठीक है. हम जो खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं ग्लूकोज, उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो फूड और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वहां से CO2 बनती है, वाटर बनता है और बहुत सारी एनर्जी बनती है. तो जो एनर्जी जो फॉर्मेशन होता है, वो जो चेंजेस होते हैं, वो आप 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे. बस इतना याद रखना, जो हम खाते हैं उसको जो ऑक्सीडेशन का काम है वो यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया आपकी हर सेल में. जैसे हम कहते हैं ना हमारा फूड हर सेल में पहुंचता है, तो फूड आने के बाद कहां पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर जाता है. हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हर सेल में पहुंचते हैं, वो सेल में एक्चुअल में कहाँ पर पहुंचते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचती है. फिर यहाँ पर फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, वहां पर एनर्जी, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, वहां पर आपका जो ग्लूकोज होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स बन जाते हैं, हम एनर्जी कैप्सूल्स. तो ये एनर्जी कैप्सूल को कहा जाता है ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आपको 10th क्लास में बहुत डिटेल में समझाया जाएगा. बस इतना याद रखो, यहाँ पर आपका फूड बनता है, मतलब फूड नहीं, आपका फूड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, पर एनर्जी बनती है. तो किसी भी चीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहीं पर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है. ओके इसके फंक्शंस क्या क्या है, सिंथेसाइज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ठीक है. आपके केमिकल सिंथेसाइज काम कर रहा है, आपको देखो एनर्जी चाहिए, किस किस के लिए एनर्जी चाहिए, आपको डीएनए रिप्लिकेट करना है, सेल को डिविजन करने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स को सिंथेसाइज एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहां से मिलती है, yes. ये एनर्जी हमको कहां से मिलती है, ये एनर्जी हमको मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से ठीक है.
माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ओके क्लियर यहां तक? एनी डाउट माइटोकॉन्ड्रिया किसी को? माइटोकॉन्ड्रिया में किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर सबको? यस ओके। उसके बाद आप क्या आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं होते यहाँ। ठीक है, प्लास्टिड्स मतलब जहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब जहां पर आपका फूड सिंथेसाइज होता है। तो फूड कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है प्लास्टिड्स प्लांट्स ये केवल प्लांट सेल में होते, एनिमल सेल्स में नहीं होते। ठीक है, और क्या काम होता है इनका? ये तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सारे कलर होते हैं Yes। अभी आवाज आ रही है? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। Yes सर। Yes ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ प्लास्टिड्स ये तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में सारे कलर होते हैं, ग्रीन नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में केवल ग्रीन कलर होता है और ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, हमारा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो फूड बनता है वो कहाँ पर बनता है? वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ठीक है, ऐसा ये राउंड सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। Okay। अभी आवाज आ रही सबको? तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमने बोला जो ग्रीन लीव्स होते हैं, तो ग्रीन लीव्स के क्या होता है? आपका फूड वहां पर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब जो ग्रीन लीव्स के अंदर भी जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, उन प्लास्टिड्स में भी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें आपका फूड बनता है। ऐसा नहीं कि सेल में हर जगह फूड नहीं बनता, आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहीं पर आपका फूड फॉर्मेशन, और वो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, जैसे गोल चप्पल टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। आपके कुछ जो सेल और उंगली होते हैं उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कुछ में आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये देखो, ये आपको ग्रीन ग्रीन बुलेट्स टाइप के दिख रहे हो, इनको कहते हैं ग्रेनम, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है ग्रीन ग्रीन, इनको हम कहते हैं ग्रेनम, और इसके बाहर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, देखो ग्रेना, ग्रेना इसका सिंगल फॉर्म होता है, ग्रेनम इसका लॉन्ग टर्म। तो ग्रेनम और स्ट्रोमा जो होते हैं, स्ट्रोमा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, होमोजीनियस लिक्विड होता है, जिसके अंदर एक ग्रेनम रखे। वो कहते हैं ना कि आप जब जेली काइंड का स्ट्रक्चर होता है, केक मतलब कुछ जेली काइंड का स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप कुछ एम्बेडेड कर दो, तो आपके जो स्ट्रोमा क्या है वो जेली काइंड का स्ट्रक्चर है, उसमें ग्रेमा ऐसे सेक्स में रखे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए इसको किचन कहा जाता है।
जहाँ पर आपका खाना बनता है इसलिए क्या बोलते हैं किचन, इसको क्लोरोप्लास्ट को। आप जो क्लोरोफिल सुनते हैं ना क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और जो भी हायर प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं यहाँ पर ही होता है। और इसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है इसकी खासियत होती है, ये क्लोरोफिल क्या कर सकता है? ये सन एनर्जी को ट्रैप करता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये जो ग्रेनम होता है, ये क्लोरोफिल ग्रेनम के अंदर होता है। क्योंकि आप जब अगली क्लास में आप जब पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शन होती है, एक होता लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है? तो जो लाइट रिएक्शन होता है ग्रेनम के अंदर होता है, वो ग्रेनम में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सन लाइट को ट्रैप कर लेता है। उस ट्रैप की वजह से क्या होता है? कुछ आगे रिएक्शन होती है, हम अगले साल पढ़ेंगे। आप इतना ही समझो ग्रेनम क्या होता है, जहां पर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस वाले। फोटोसिंथेसिस दो फेज में होती है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन होती है फिर डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेनम में होती है और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में होती है। तो जो आपको क्लोरोफिल मिलेगा कहाँ मिलेगा? आपको ग्रेनम में मिलेगा, ठीक है? इसका फंक्शन क्या है? तो इस क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है? क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर्स के आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखे वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं, ठीक है? कोई फूल इतना अट्रैक्टिव होता है, ये बैठे होते से इंसेक्ट्स इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका मेन काम क्या है? जो फूड बन जाता है उसको स्टोर करने का काम करता है। जो नॉर्मली जो प्लांट जो फूड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो होता है प्लांट, ये ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है? यहाँ पे इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर छोड़ के सारे कलर्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सिलेंड्रिकल होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, इनका शेप कोई नहीं होता क्रोमोप्लास्ट, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है? दीज आर फाउंड अनएक्सपोज्ड सेल, ये सेल्स के एकदम अंदर छुपे होते हैं, ये बाहर भी आपको दिखाई देते हैं अंदर भी दिखाई देता है दोनों जगह। दे कैन चेंज टू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है? आप देखो तीन तरह के प्लास्टिक, ठीक है? क्रोमो क्रोमो है आपका, ठीक है? और आपका दूसरा क्लोरो, ये वाला क्लोरो है, क्रोमो है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कभी क्रोमो बन जाते हैं, कभी क्लोरो बन जाते हैं, ये चेंज कर सकते हैं अपने आप को, बाकी अपने आप को दूसरा अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। इनका मेन काम क्या होता है? फूड को स्टोर करने का, किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? कलर को ऐड करना। ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी शायद बुक में इतना इसमें डिटेल नहीं है। और सेम ऐसे आपका क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का डिफरेंशिएशन है। क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन को छोड़ के बाकी सब कलर्स। इसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल एबसेंट होता है, ठीक है? ऐसे कुछ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है, इनका मेन काम क्या होता है? सिर्फ कलर देने का। उसका आपका डिफरेंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। हम इसको क्या कहते थे? पावर हाउस। बोले यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है क्लोरोप्लास्ट में। वो फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दे आकर इन द सेल्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? जहां भी ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पर होते हैं आपकी? जहाँ पर हमको फूड बनाना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी भी शेप राउंड जैसी होती है, राउंड सर्कुलर टाइप की, इनकी भी शेप वैसी होती है, लंबे लंबे सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है? ओके, ये एनर्जी देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सन एनर्जी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है? ये क्या काम करते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट करने का, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, ये फूड को बनाने का काम करते हैं। एकदम दोनों अपोजिट काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ये CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद करने के लिए? सेकंड वाला और आपका मेन फिफ्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला पॉइंट और सेवन्थ वाला पॉइंट याद, इंपॉर्टेंट। बाकी तो आप सब लिख सकते हो। फिर आपके आते हैं तो कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल हियर? नो नो सर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? चलो उसका वेकोरेस, वेकोरेस आप देख साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल में का साइज छोटा होता है। प्लांट सेल में ये केवल एक ही होते हैं, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे कई होते हैं, ठीक है? वो कलर का मेन काम क्या होता है? एक तरह से शेप देना और जो फूड होता है फूड को स्टोर करने का काम करना, ये इसमें मेन होता है।
ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर है एनिमल्स में विक्रोलेस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कई सारे होते हैं। मेन काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करने का, ग्लाइकोजील फूड को स्टोर करने का, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, ये वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स में वो के लिए बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में परमानेंट नहीं होते, नए बनते रहते हैं। प्लांट सेल्स में 90% स्पेस वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, आपके वोकलेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब जितने भी सेल वॉल्यूम होते साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। वोकले जो है वोकले होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स, उसको क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये नाम याद करने करो, नहीं करने मत करो, कोई दिक्कत। इसका मेन काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर करता है, मतलब जो वाटर कंटेंट होता है वाटर को मेंटेन करना। अगर पानी चाहिए तो पानी को अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस करो, उसको अंदर लेके आने। और क्या काम करते हैं, ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं, टॉक्सिक के बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको भी स्टोर करने का काम करते हैं, कई सारे काम करते हैं। ये प्लांट्स को टारगेटिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, पेरिक्सिसोमस, ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे स्पेरिकल टाइप के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये मेनली आपके पाए जाते हैं किडनी में और लीवर से। किडनी और लीवर का मेन काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, मेन उसका एक ही काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हम हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं खाने पीने में, कई सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में एंटर करती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो पेरिक्सिसोमस क्या करते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, ये मेन इनका मेन काम होता है। ये छोटे छोटे पतले पतले दाने टाइप के होते हैं, इनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, जो आपको मैंने पहले बता दिया। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है। लाइबोसोम सेल में हर जगह रहता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपका लीवर और किडनी में पाया जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स का मेन काम होता है आपका, जब सेल डिवाइड होता है अपने आपको, जब सेल अपने आपको डिवाइड करना चाहता है तब ये एक्शन में आता है। जैसे बोलो जैसे क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन का मेन काम क्या होता है, जब सेल डिवाइड करना चाहती है तो अपने आप को धागे के समझ जाते हैं क्रोमोसोम में, सेम लीव काम। इसका मेन काम क्या होता है, इट हेल्प इन द सेल डिवीजन एनिमल सेल। पतली पतली पाइप्स होती है, सर्कुलर पतली पतली पाइप्स होती है। ओके, इसमें इतना ही है। तो बाकी आपके एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस, तो डिफरेंस जब डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तीन नंबर में पांच नंबर में, तो डिफरेंस लिखना होता है आपको, सारे पॉइंट लिखने देता। आप डिफरेंस देखो, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और अब दोनों मत लिखना, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता नहीं, सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में प्लांट सेल सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल छोटी होती है पर बहुत बड़े नंबर में होती है, प्लांट सेल्स बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एनिमल। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वोकेलोज होते हैं, छोटे होते हैं, कई होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। प्लांट सेल में वोकेले होते हैं, बड़े होते हैं, परमानेंट होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एनिमल सेल है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल नहीं होते। ऐसे आप दो तीन डिफरेंस आप आराम से दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर का रिविजन ओवर होता है। कोई डाउट किसी को, आप पूछ सकते हो किसी टॉपिक को। यस स्नेहा जी, कोई डाउट? यस बालको, कोई डाउट आपको? तो यहाँ पर आपका सेल का रिवीजन ओवर होता है। आप बताओ टेस्ट कब लेना है, कल ले लूँ, परसों ले लूँ, वेडनेसडे ले लूँ फुल टेस्ट? सर कल भी चलेगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कल तो नहीं दूंगा, कल तो आपको मैं बोलूंगा रिवीजन करो आप पूरा बैठ के, क्योंकि मैं अगर टेस्ट लूंगा तो 3 घंटे का टेस्ट लूंगा आपका, और उसमें मैं क्वेश्चन कई डालूंगा ताकि आपका एक चैप्टर अब हो जाए, इसका द्वारा आपको फिर से रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ती। यस ठीक है, तो थर्सडे आपका केवल, वेडनेसडे आपका केवल टेस्ट होगा। तो हम कल क्या पढ़ेंगे बताओ, अभी अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है पहले वो बताओ, फिर अगले चैप्टर की हम तैयारी करेंगे।